और रिया चक्रवर्ती, तो अभी अमित शाह जी को मैसेज किया हो ट्विटर पे, अच्छी बात है, हम लोग भी वही मांग रहे हैं, सीबीआई जांच हो। तो हम लोग भी तो चाहते हैं सीबीआई जांच हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस पर तुमको भरोसा नहीं है, जो मुंबई पुलिस तुमको इंटोग्रेट नहीं कर रहा है, तुमको बुला नहीं रहा है, तो तुमने सीबीआई जांच मांगा है, बहुत अच्छी बात है। पर तुम गर्लफ्रेंड लिखी हो ना अमित शाह जी को, तुम गर्लफ्रेंड हो, कितने घंटे आगे खड़ी थी फ्यूनरल पे तुम, तुमको फैमिली वाले मना कर दिए, गर्लफ्रेंड थी ना तुम, रूम शेयर करती थी, तुम्हारा पैसा वो देते थे, वो मसेराटी पे उनके घूमती थी तुम, रेंज रोवर पे, हाँ, तुमको क्या नहीं दिया उन्होंने, और गर्लफ्रेंड होकर तुम फ्यूनरल पे नहीं थी तुम, यार भी फ्यूनरल पे तो नहीं थी मैं, तो पूरा समय फ्यूनरल पे था। तुम बोलते हो कि फैमिली वाले मना कर दिए, तुम फैमिली, तुम गर्लफ्रेंड थी तो फैमिली का सुनती, तुम तो बाहर भींग के खड़ा रहना चाहिए था तुमको। और सीबीआई जांच तो होगी ही, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मांगी हो, बट एक घरेलू आंसू और विक्टिम कार्ड जो है, ये समझ लो ये तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव है, और तुम्हारे हर चीज की जांच होगी, और तुम्हारे नाम पे कंपनी है वो सारा उनके फादर को जाना चाहिए, उनके फैमिली को जाना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये विक्टिम कार्ड खेल के तुम अमित शाह जी को लिख रही हो, तुमसे पहले लाखों लोगों ने लिखा है, उनका लेटर भी मिला है, पार्टनर भी थे, रूम में साथ में रहे थे, कुछ दिन पहले वहां से गए थे, और क्या हुआ था आपको भी घर से फोन आया होगा, जब उनकी सिस्टर को फोन किया था, और सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी रूम में लोग अवेलेबल थे वो उनके सिस्टर के आने का इंतजार क्यों कर रहे थे, उन्होंने बिल्डिंग के चेयरमैन, सेक्रेटरी, वॉचमैन को बुला के दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा, और उन्होंने क्या रिया को फोन किया था तो रिया वहां पे पहुंच के क्यों नहीं कुछ की। और ये जो आप चीज कर रही है विक्टिम कार्ड, ये गलत है, आप जाइए पुलिस को, और अगर आपके साथ हुआ है आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट कीजिए, पुलिस के जांच में हम लोग सहयोग करेंगे आपका, लेकिन पहले आप सीबीआई की मांग भी कीजिए, जस्टिस के लिए मांग कीजिए, पुलिस के पास जाके खड़े रहिए, जैसे करोड़ों फैन डेली खड़े रहते हैं पूछते हैं क्या हुआ, आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा। जय हिंद।